एसीपी राजेंद्रनगर अशोक चक्रवर्ती ने तेलंगाना आवाम को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तेलंगाना में सिर्फ 2 घंटे की इजाज़त दी गई है ताकि आवाम दिवाली मनाए और पटाखे चलाएं। बाद अज़ा एसीपी अशोक चक्रवर्ती ने आवाम से गुजारिश की कि वो कोविड-19 क़वानीन पर अमल करते हुए दिवाली मनाएँ। पूरे व्यूवर्स को राजेंद्रनगर डिवीज़न पुलिस ऑफिसर्स और मेन की तरफ से दीपावली मुबारक। और इस साल दीपावली पहले तो दीपावली क्रैकर्स बस्ट नहीं करना बोल के डायरेक्शन था कोर्ट्स का, तो ऑलमोस्ट हम 2 दिन पहले दुकान भी बंद करो बोल के बोले थे। फिर कल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2 घंटे का परमिशन दिए, वो पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होने के तरीके से पटाखे जलाना बोल के थोड़ा रिलीफ मिला जो भी फेस्टिवल करते हैं उनको। 2 घंटे के अंदर ही पटाखे जो भी जलाते ज़्यादा पोल्यूशन है सर का करके पटाखे जला देना। तो उसी सिलसिले में हम भी पूरे अभी थोड़े शॉपों की भी थोड़ा परमिशन तो है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होने के तरीके से पटाखे जलाना। हमारी गुजारिश ये है पुलिस की तरफ से कि पटाखे ज़्यादा नहीं जलाना, घर में अब दीप जला दीजिए, तेल डाल के अच्छा रहेगा। ये पटाखों से क्या होगा, पोल्यूशन अभी करोना डिसीज़ अभी कम नहीं हुआ, सेकंड वेव अभी चल रहा, अभी स्लो स्लो करोना पेशेंट भी बढ़ रहे, तो जब पोल्यूशन होएगा एटमॉस्फेयर तो करोना और बढ़ेगा। तो करोना प्रिवेंशन के लिए पोल्यूशन कम करने के लिए हम पब्लिक से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कम पटाखे जलाइए, कम पोल्यूशन जनरेट करिए। तो पब्लिक और एक बार पूरे पब्लिक को दिवाली मुबारक। और पोल्यूशन ऑब्जेक्ट ये रहेगा पूरा कम से कम पोल्यूशन जनरेट करने के अपन प्लेट्स लेंगे और पोल्यूशन कम करेंगे, पब्लिक का हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे, ये जो डिसीजेज है उसको प्रिवेंट करेंगे दीपावली के ओकेजन पे। ये करोना पूरा चले आना बोल के हमारे तरफ से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। वो तो परमिशन उनको रहता है, 11 बजे तक रहता है परमिशन, 11 बजे तक रहता है।